दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। आज ही की डेट में सारे नोटिफिकेशन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम को लेकर है, एग्जाम फॉर्म को लेकर है, रिजल्ट को लेकर है, तो इस प्रकार से तीन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बताऊँगा जो आज ही की डेट में अवेलेबल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जो देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं और नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं, जो खेल हुए हैं उसमें भाग लेने के वजह से उन्होंने जो सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर जनवरी की जो अभी हुई है उसमें भाग नहीं ले पाए क्योंकि वो खेल में थे, तो अब उनके लिए यहाँ पर एक मौका दिया गया है कि उनका फिर से परीक्षा होगा। उसका टाइम टेबल भी नीचे मैं आपको बताऊंगा कि कब से परीक्षा होगा। जितने भी जो स्पोर्ट में भाग लेने वाले स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाए उनके लिए ये है ये टाइम टेबल, वहाँ पे वो लोग जितने भी लोग छूटे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी में ही होगा, दुर्ग यूनिवर्सिटी में सुबह के 11 से दोपहर के 2 बजे तक ऑफलाइन मोड पे होगा। और एक आपके लिए नोटिस ये है कि आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करना होगा और आपका आईडी का प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो लेकर जाना होगा। आप लोग एक बार एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। तो ये जो है टाइम टेबल है, देखिए एमए सोशियोलॉजी के 3rd सेमेस्टर का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है परसों से यानी कि सैटरडे से 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक होगा। तो आप लोग यहाँ पर टाइम टेबल कौन कौन सा पेपर कब है, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया ये पहला पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से। उसके बाद ये इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स एमए के अंदर 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया है, ये भी 21 जनवरी से ही परसों से चालू होगा, 24 जनवरी तक चलने वाला है। पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस 1st सेमेस्टर का ही 21 जनवरी और 23 जनवरी को होने वाला है, एक दिन गैप है, बीच में 22 को संडे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय राजनीति चिंतन पार्ट 1 ये होगा, ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को होगा। उसके बाद यहाँ पर बीपीएड 1st सेमेस्टर का, इसका भी 21 से लेकर 25 तक होने वाला है, टाइम टेबल आप लोग देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बीपीएड 3rd सेमेस्टर का है और पीजीडीसीए 1st सेमेस्टर का, सभी 21 तारीख को परसों से स्टार्ट होंगे, 23 तक चलने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है आज के डेट में 19 जनवरी की डेट में, तो उसमें जो है जो एनुअल एग्ज़ाम का फॉर्म है उसके डेट में एक बार फिर से उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसमें आपको लेट फीस 500 रुपये यहाँ पर लगने वाला है लेट फीस के रूप में। तो पहले इसका जो डेट था ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का वो 12 जनवरी तक था, अब उसको 22 जनवरी कर दिया गया है, तो और 23 जनवरी को हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा करना है। बाकी के डेट जो आपको दिख रहे हैं वो कॉलेज वाले काम करेंगे, आपका काम है। अगर आप स्टूडेंट हैं 22 जनवरी तक जितने भी स्टूडेंट नहीं भरे फॉर्म वो लोग भर सकते हैं, और 23 जनवरी तक आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेजों में जमा करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी हुआ है, एक ही स्टूडेंट का है ये जो है यहाँ पर एमए अर्थशास्त्र पूर्व और अंतिम का, इसमें श्रेणी सुधार के लिए इन्होंने किया था अप्लाई, तो इसका लास्ट जो फाइनल प्रथम श्रेणी से ये पास हो चुके हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।